हेलो दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूँ 174 कोट्स, मीन्स 274 कोट्स मैं आपको दूंगा। आप उसका जहाँ चाहे जहाँ उपयोग कर सकते हैं। उसको हम लोग API के माध्यम से फेच करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि उस API को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको ये 1074 कोड्स आपको कैसे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे JQuery में कोडिंग करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं JQuery के माध्यम से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करूँगा और इसमें रेडी फंक्शन को पास करूँगा और इसके अंदर मैं एक एनोनिमस फंक्शन को पास करता हूँ। आप देख लीजिए, गेट में आपको ये आपको URL देना होगा। देखिए, इसी के ही माध्यम से आप API के माध्यम से फेच करेंगे। तो इसके बाद इस लिंक के बाद मैं इस प्रकार से इसको सेपरेट कर दूंगा। उसके बाद एक फंक्शन दूंगा और फंक्शन के पैरेंथेसिस में मैं रिस्पॉन्स को पास कर दूंगा इस प्रकार से। और रिस्पॉन्स यहाँ पे पास हो गया, तो एक काम करते हैं, इसमें मैं कंसोल में प्रिंट करके देखता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो सिंपली console.log पास करूँगा और इसमें ये जो रिस्पॉन्स जो भी रिटर्न करेगा उसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा इस प्रकार से। अब सेव करता हूँ और कोई भी ब्राउज़र में इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करूँगा और F12 दबाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। तो देखिए, आपको एक एरे मिला है जिसमें आपको 1074 आपको एरे मिला है। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इस प्रकार के आपको नंबर मिलेगा, मिस इंडेक्सिंग नंबर मिलेगा। फिर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो देखिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 इंडेक्सिंग नंबर आपको मिल गया। जब 0 को एक्सपेंड करेंगे तो देखिए, ऑथर का नाम मिल गया और कोट्स मिल गया, यू आर द ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रोंगर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। उसी तरह से यहाँ पे आपका APJ अब्दुल कलाम का भी मिल गया। इसको आप जैसे चाहें जैसे आप अपने वेबसाइट पे इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसका आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको इस जो आपका कोर्स है, कोर्स को एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक लूप चलाना होगा, फॉर लूप या फॉर ईच लूप भी आप चला सकते हैं। सिंपली उसमें आपको इस एरे का लेंथ निकालना होगा और लेंथ के बाद आपको 0, 1 या 2 इंडेक्सिंग नंबर से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली मैं, तो चलिए आप कोड में आइए और यहाँ पे आप एक लूप चलाइए, फॉर लूप चलाइए और यहाँ पे वेरिएबल आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। जैसे कि मैं 0 वेरिएबल लूँगा और i < ये कितना तक चले, तो मैं रिस्पॉन्स में .length पास करता हूँ। जो भी रिस्पॉन्स लेंथ पास करेगा वो उतना तक चलेगा। उसके बाद i को इंक्रीमेंट कर लूँगा। उसके बाद इसमें मैं पास करूँगा console.log और इसमें रिस्पॉन्स और इसमें इस प्रकार से इंडक्शन नंबर वाला बिग ब्रैकेट दे दूंगा और इसमें i पास कर लूँगा और इसके बाद मैं इसमें कोट इस तरह से पास कर लूँगा। मैं सेव करूँगा और यहाँ आने के बाद मैं इस प्रकार से रिफ्रेश करूँगा तो आपके नेट कनेक्शन के अनुसार ये लोड होगा। तो देखिए, ये आपका लोड हो गया और देखिए यहाँ पे आपका सारा कोर्स आपको देखने को मिल गया। सिंपली सिर्फ आपका ये कोर्स आपको देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो आप अपने वेब पेज में भी, मीन्स यहाँ पे कोई भी टैग में इसको आप दिखा सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली पैराग्राफ टैग में इसको आपको दिखाता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी आप उसको बना सकते हैं या खुद से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा p और p को मैं डायनेमिकली क्रिएट करूँगा। तो लिखूँगा document.createElement और इसमें मैं उस एलिमेंट का नाम दे दूंगा। इसी एलिमेंट में मैं मुझे उसको लगाना है। तो सिंपली क्या करूँगा, p लिखूँगा और इनर HTML और इसमें सिंपली मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स i पास करूँगा और इसमें कोट पास कर लूँगा, डेट्स इट। और ये जो आपका ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को भी आपको अपेंड करना होगा बॉडी में। तो सिंपली आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट लिखेंगे, उसके बाद बॉडी लिखेंगे और बॉडी में आपको अपेंड करना है आपको p को।
और स्पीड को आप ब्रेक भी कर सकते हैं या नहीं भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले होता है वो ब्लॉक होता है। मैं सेव करता हूं और यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देख लीजिए फ्रेंड्स यहां पे आपका ये प्रिंट हो गया। देखिए जितना भी आपका कोर्स होगा उतना बार आपका पी टैग क्रिएट होगा और पी टैग के अंदर वो सारा आपका यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसको जैसा चाहें डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो एक डिब के अंदर भी इसको आप रख सकते हैं। तो चलिए इसके माध्यम से मैं एक आपको बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाकर आपको दिखाता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा इसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये यही मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो जब तक इसका रिस्पॉन्स ब्राउजर से नहीं आएगा तब तक ये आपका लोडर चलेगा। जैसे रिस्पॉन्स आ जाएगा तो यहाँ से आपका ये आपको रिजल्ट दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बटन है, उसके बाद यहाँ पर आपका प्रीवियस बटन है और यहाँ पे आपका कोर्स लिखा है। कोर्स लिखने वाले का बेसिकली ये नाम है, मींस कौन ये कोर्स को मींस डिस्कवर किया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद वाला जो भी होगा वो यहाँ पे दिखेगा और उसका बैकग्राउंड में फ़ोटो भी दिखेगा। ये फ़ोटो मैं खुद से इसको क्रिएट नहीं किया हूँ, ये डायनेमिकली फ़ोटो आता है और ये भी डायनेमिकली आता है और ये भी आपको डायनेमिकली ही आता है। इस प्रकार से देखें ये भी लिखा है अल्बर्ट आइंस्टीन द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। तो चलिए अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देख लीजिए आपको बॉडी में आना है और मेन टैग एक स्टार्ट करना है। इससे पहले मैं यहाँ से जो आपका ये स्क्रिप्ट टैग है इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। सिंपल है, अब मैं समझाता हूँ आपको बॉडी मेन टैग स्टार्ट करना है इस प्रकार से। और मेन टैग के अंदर आपको एक डिव टैग लेना है जिसका आईडी देंगे रिजल्ट और इस प्रकार से H2 देंगे जिसमें आईडी देंगे कोड, क्योंकि इसी में आपको उसको देखने को मिलेगा। और जो आपका ये रिजल्ट है रिजल्ट के बैकग्राउंड में ही आपको वो इमेज आपको डायनेमिकली आएगा। उसके बाद इस H2 के बाद आपको पैराग्राफ देना है और इस पैराग्राफ में भी आपको आईडी देना है ऑथर, क्योंकि ये भी आपको डायनेमिकली ऑथर का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद इस डिप जो आप दिए हैं रिजल्ट, इस रिजल्ट के बाद आपको एक और डिप देना होगा जो रहेगा आपका बटन बटन बॉक्स, और इसके अंदर दो बटन रहेगा प्रीव एंड नेक्स्ट। इसी पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट या आपका बैक जाएगा। इस मेन टैग के बाद आपको एक डिप टैग बनाना होगा क्योंकि इसी में ही आपका लोडर रहेगा। या आपका फाफा आइकन है तो आपको यहाँ पे फाफा आइकन का लिंक भी इंसर्ट करना होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आप फाफा आइकन का लिंक इंसर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉडी का कोडिंग है, यहाँ पे मेन का कोडिंग है और यहाँ पे रिजल्ट का कोडिंग है। मैं सिंपली आपको रिजल्ट का बता देता हूँ, देख लीजिए। उसके बाद आपका रिजल्ट के बिफोर है, उसके बाद बटन का है और उसके बाद बटन के अंदर जो बटन है उसका कोडिंग है, और जो बटन पे ओवर करेंगे तो ये कोडिंग रहा। उसके बाद H2 पैराग्राफ के बिफोर में, उसके बाद ये आपका लोडर रहा, देख लीजिए। अब चलिए मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। तो देखिए बैकग्राउंड में आपका ये URL दिया गया है, ये URL आप जहाँ भी देंगे ना वहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके माध्यम से आपको सिंपल सा आपका जो भी ऑथर का नाम देंगे वो ऑथर का आपका इमेजेज आपको बन जाएगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे दिया हूँ APJ अब्दुल कलाम, देखिए। तो देखिए आपका इस प्रकार का ये कोडिंग आपको मिल गया। ये हमेशा आपका लोडर चलता ही जाएगा कि आपको पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा APJ अब्दुल कलाम का यहाँ पर पिक है, उसके बाद यहाँ पर उसका कोर्ट है और उनका नाम है। तो वो कहाँ से आ रहा है, या यहाँ से देखिए यहाँ से आ रहा है। ये आपने स्टैटिक डिफाइन किया है और इसके बैकग्राउंड में जो आपने दिया है वो भी स्टैटिक दिया है, बट यहाँ पे आपने उसको API के माध्यम से आपने उसको प्रिंट किया है। इसी लॉजिक को हम लोग जावास्क्रिप्ट में अपनाएंगे और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इतना कोई सिंपली आपको डायनेमिक यहाँ पे लाना होगा, वो भी आपको स्मॉल लेटर में लाना होगा। क्यों मैं स्मॉल लेटर में आपको बताता हूँ, आप सिंपली देखिए जावास्क्रिप्ट में आइए, एनोनिमस फंक्शन बनाइए और इसमें आप एग्जैक्ट रिक्वेस्ट कीजिए।
इस प्रकार से, और इसमें आप कर्ली ब्रैकेट दीजिए, और इसमें आप टाइप का वैल्यू क्या देना चाहते हैं, तो मैं टाइप का वैल्यू गेट देना चाहता हूँ, और कौन से यूआरएल का रिक्वेस्ट होना चाहिए आप यहाँ पे उसका यूआरएल दे दीजिए। तो देखिए यही यूआरएल का लुक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं सक्सेस पास करूँगा, सक्सेस इवेंट, और इसमें भी मैं एक एनोनिमस फंक्शन पास करूँगा, और इसमें रिस्पॉन्स को मैं पास कर लूँगा। अब इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग पास करूँगा, और रिस्पॉन्स को मैं पास कर लूँगा। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। आपको एक यहाँ पे एरे मिल गया, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको और एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका नेम मिल गया। देखिए ये सभी का आपका लेटर जो फर्स्ट है वो कैपिटल लेटर में है, तो आपको यहाँ पे उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना होगा तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको सभी को स्मॉल लेटर में ही आपको लिखना होगा। तो एक काम कीजिए, आपका ये जो स्पिनर है इसको आप सबसे पहले अभी कमेंट कर लीजिए, लास्ट में इसको हम लोग जब कोडिंग फाइनल हो जाएगा तो इसको हम लोग अनकमेंट कर लेंगे। ये देखिए आपका सक्सेस है, सक्सेस के बाद आपको एक फंक्शन बनाना होगा। मैं सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ, कोट नाम के ही मैं फंक्शन को बना देता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले कोडिंग करना होगा कि जो भी यहाँ से आप लेंगे ऑथर का नाम उसको आपको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना होगा। आप इसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे, मैं इसमें ऑथर के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और सिंपली रिस्पॉन्स लिखूंगा, और मैं रिस्पॉन्स में डायनेमिक 0 इंडेक्स नंबर पास करूंगा, और यहाँ से मैं ऑथर को ले लूँगा। ऑथर के बाद आप एक वेरिएबल बनाइए लोअर केस के नाम से, लोअर केस के नाम से, और इसमें सिंपली आप ऑथर को पास कीजिए, और इसमें आप पास कीजिए 2 लोअर केस, तो आपका जो ऑथर का यहाँ पे नाम होगा वो आपको लोअर केस में मिल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा, और यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अलर्ट में आपको क्या आएगा। देखिए यहाँ पे तो रिस्पॉन्स तो आ गया बट अलर्ट आपको प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये फंक्शन अभी आप कॉल किए ही नहीं है। तो सिंपली मैं इसको यहीं पे ही मैं इसको कॉल देता हूँ इस प्रकार से, कोट्स को इस प्रकार से। अब सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अलर्ट में आप देखिएगा, देखिए आपको कैपिटल लेटर जो था वो स्मॉल लेटर में हो गया। अब आपको करना है कि जहाँ जहाँ स्पेस होगा और डॉट होगा उसमें आपको हाइफ़न दे देना होगा, क्योंकि जब तक आप हाइफ़न नहीं देंगे तो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप एक वेरिएबल बनाइए, डॉट वेरिएबल बनाइए, और लोअर केस में लिपलेस मेथड लागू कीजिए, लिपलेस इस प्रकार से। यहाँ पे आप लेग्रो एक्सप्रेशन पास करेंगे और जहाँ जहाँ भी आपका डॉट होगा वहाँ से वो रिमूव होकर सिंपली आपका इस बिना कोई भी स्पेस वहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद एक मैं और वेरिएबल बनाता हूँ कोट के नाम से, और डॉट में मैं सिंपली फिर से मैं लिपलेस फंक्शन को कॉल करूँगा, और इसके अंदर सिंपली मैं स्पेस इस प्रकार से लिख दूँगा। इसके बाद कोमा दूँगा और मैं लिखूंगा कि कॉम स्पेस के बाद मुझे इस प्रकार का सिंबल आना चाहिए, हाइफ़न का सिंबल मेरे को मिल जाना चाहिए। अब मैं अगर इसको अलर्ट में प्रिंट करूँ कोड को, तो जो भी रिजल्ट मेरे को देखने को मिलेगा वो सभी मेरे को स्मॉल लेटर में ही देखने को मिलेगा, और जो भी ऑथर का नाम होगा अगर उसमें डॉट या स्पेस होगा तो उसमें आपका हाइफ़न जुड़ जाएगा। अब इसी को आपको इस लिंक में इंसर्ट करना होगा। कौन सा लिंक है आपका, देखिए यही आपका लिंक है, देखिए ये लिंक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है APJ अब्दुल कलाम, इसको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपली 2 बार डुअल कोट पास करूँगा, और इसके अंदर 2 बार प्लस टैग स्टार्ट करूँगा, इसमें मैं लिख दूँगा कोट, सिंपल सा इतना ही करना है। अगर मैं यहाँ पे URL लिखूँगा तो मेरा ये जो आपका ऑथर का नाम होगा उसका फ़ोटो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए उसका फ़ोटो आपको यहाँ पे मिल गया। अगर इस लिंक को आप कॉपी करेंगे और अनदर विंडो में अगर आप इसको पेस्ट करेंगे उसका इमेजेज आपको मिल जाएगा, देखिए ये आपको उसका इमेजेज आपको मिल गया। अब चलिए इसी को हम लोग कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे कि इसके बैकग्राउंड में वो इमेजेज सेट हो जाना चाहिए।
तो इसके बाद आप दो और वेरिएबल बनाएंगे, एक बनाएंगे ऑथर के नाम से और ऑथर को सेलेक्ट सेलेक्ट करके रख देंगे। कौन सा ऑथर, यहाँ पे देखिए ये कोट और ये ऑथर को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद आप सिंपली क्या करना होगा, आपको लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के माध्यम से रिजल्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और रिजल्ट में स्टाइल पास कीजिए और स्टाइल में आप बैकग्राउंड पास कीजिए और बैकग्राउंड में आप सिंपली यूआरएल पास कर दीजिए और यूआरएल में इसी के अंदर ही आप उसका लोकेशन का मीन्स इसके अंदर ही आपको इमेजेस का लोकेशन आप देते थे। तो सिंपली आप इसमें क्या क्या करना होगा, आपको इसके अंदर भी उसी तरह से आपको कॉन्कोर्डिनेट करना होगा और यूआरएल आपको पास कर देना होगा। इसके बाद फिर से मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, इस प्रकार से पेस्ट करूँगा और बैकग्राउंड साइज पास कर दूंगा और इसका वैल्यू मैं कवर कर लूँगा। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेगा जैसे आपका आएगा तो देखिए यहाँ पे आपका वो आपका इमेजेज आपको मिल गया। देखिए यहाँ पे इमेजेज आपको मिल गया। अब यहाँ पे इसको बदलना है, तो चलिए अब इसको आप बदल दीजिए। तो आपको करना क्या होगा, जो आपने यहाँ पे बनाए हैं ऑथर और कोट इसके बाद इसमें ही आपको उसका रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो आप करना क्या होगा, आपको और भी आप नीचे आइए और सबसे पहले आप ऑथर को सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से और इसमें इनर एचटीएमएल आप पास कर लीजिए और आपको करना क्या होगा, जो रिस्पॉन्स के माध्यम से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं रिस्पॉन्स 0 पास करूँगा और इसमें ऑथर पास कर लूँगा। उसी तरह से मैं कोड को पास करूँगा, इसमें इनर एचटीएमएल पास करूँगा और रिस्पॉन्स 0 के माध्यम से मैं सिंपली कोड पास कर लूँगा। सेव करूँगा और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा तो आपको यहाँ पे इमेजेस भी बदल जाएगा और उसका कोड भी और उसका आपका ऑथर का नाम भी आपको मिल जाएगा। अब इसी को हम लोग डायनेमिक कोडिंग करते हैं। तो डायनेमिक आप कोडिंग कैसे कर सकते हैं, इस फंक्शन को जहाँ भी आप कॉल करेंगे वहाँ पे आप एक आर्गुमेंट लेंगे। तो जैसे कि मैं नंबर आर्गुमेंट लूँगा और जहाँ जहाँ भी 0 आप लिखे हैं ना वहाँ वहाँ आप नंबर आर्गुमेंट लिख लीजिए। तो नंबर के माध्यम से जो भी इंडेक्सिंग नंबर आएगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब मैं एक काम करूँगा कि जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला आपका इमेजेज ऑथर का नाम और कोट्स आना चाहिए। तो अब चलिए एक मैं और फंक्शन को बनाता हूँ। तो यहाँ से इसको आप रिमूव कीजिए और यहाँ आपका ये फंक्शन बना हुआ है, देखिए यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है। इस फंक्शन के बाद आपको एक और फंक्शन बनाना होगा तो उसके लिए आप डॉलर के माध्यम से आप नेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट में जैसे आप उसको क्लिक करेंगे और आपको जो आपका बटन है बटन के वैल्यू को आपको सेलेक्ट करके रखना होगा। आप एक बात का ध्यान देंगे, इस वैल्यू में दोनों के वैल्यू में आपको 1 आपको लगा देना है। तो अब चलिए आईडी के माध्यम से इसको वैल्यू को आप सेलेक्ट करके रख लीजिए। तो यहाँ पे आइए और एक वेरिएबल बनाइए एन वेरिएबल और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के माध्यम से उसको आप सेलेक्ट करके रख लीजिए नेक्स्ट नाम है और उसके वैल्यू को। इसके बाद आपको एक ग्लोबली वेरिएबल बनाना होगा। यहाँ पे देखिए आप एक लेंथ के नाम से आप एक ग्लोबली वेरिएबल बनाइए जिसमें रिस्पॉन्स के आपको लेंथ को रखना होगा। अब क्या करना होगा, इस जो आप वेरिएबल बनाए हैं इसके बाद आप इफ कंडीशन पास करेंगे और लिखेंगे कि n greater than आपको लेंथ लिखना होगा इस प्रकार से, सॉरी n लेस देन आपको लेंथ लिखना होगा। कहने का मतलब है कि लेंथ में जो भी वैल्यू है अगर n से बड़ा होगा तो ये आपका कोड चलेगा और इसमें जो आपका n है n को मैं प्लस प्लस करते हुए चलूँगा। इसका मतलब क्या है कि n में पहले आपका आएगा 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको ये चलता जाएगा। तो else में भी आपको वही फील से if कंडीशन चलाना होगा, आपको लिखना होगा n लेस देन लेंथ, अगर ऐसा है तो आपको दोनों को सेलेक्ट करना होगा। अगर ऐसा है इफ आपका कंडीशन ट्रू होता है तो आपका नेक्स्ट में और प्रीव के वैल्यू में आपका n मीन्स n का जो भी वैल्यू आता है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो else कंडीशन चलेगा और else कंडीशन में ये जो भी
अब ये जो भी दो वेरिएबल इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, और इसके अंदर जो आप एन पास कर रहे हैं यहाँ पे आप लेंथ पास कर दीजिए। अब आपका जो ये आपका एल्स है, एल्स यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद आप कोट फंक्शन को कॉल कीजिए और यहाँ पे एन दे दीजिए, मीन्स ये आपको एन देना होगा ये, क्योंकि इसी एन में आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए, जो आपने यहाँ पे नेक्स्ट वाला कोडिंग किए हैं, ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए, इस प्रकार से पेस्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे प्रीव को सेलेक्ट कर लीजिए, और जब आप प्रीव बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, आपको एक एनोनिमस फंक्शन को आपको मिलेगा। इसमें आप प्रीव को सेलेक्ट करके रख लीजिए और इसको आप पी दे दीजिए। अब इसमें आप कोडिंग आप थोड़ा उल्टा करेंगे, आप अब लिखेंगे कि जीरो से अगर 12 होगा पी, मीन्स पी में जो भी वैल्यू आएगा अगर वो जीरो से ग्रेटर होगा तो ये कोडिंग चलेगा, और जो आपका पी होगा पी आपका डिक्रीमेंट होता हुआ जाएगा। देखिए आपका पी होगा वो डिक्रीमेंट होता हुआ चला जाएगा, और फिर यहीं पे आइए इसके बाद, और फिर उसी तरह से आप कोड कीजिए। अगर 0 से 12 अगर पी होगा तो ये चलेगा, अगर छोटा होगा तो ये चलेगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पी वेरिएबल के वैल्यू आपको आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एल्स कंडीशन चलेगा, और इसके दोनों वैल्यू में आप 0 पास कर लीजिए, मीन्स 0 ही असाइन हो रह जाएगा। तो यहाँ पे आप पी वेरिएबल को सेंड कर दीजिए, यहाँ पे पी वेरिएबल को इसके बाद सेव कीजिए, और यहाँ पे जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी आपको रिस्पॉन्स आने दीजिए। तो रिस्पॉन्स आपका आ गया, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या प्रीव पे क्लिक करेंगे, तो देखिए प्रीव काम किया, उसके बाद नेक्स्ट आपका काम नहीं कर रहा है। देखिए प्रीव तो वर्क कर रहा है बट आपको नेक्स्ट वर्क नहीं कर रहा है। आप नेक्स्ट का फील्ड से कोडिंग आप इस तरह से देख लीजिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए आपका रिस्पॉन्स आ गया, मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करूँगा, बैक प्रीवियस बटन पे, तो देखिए बैक आ गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका नेक्स्ट होता हुआ चला जाएगा। अब जो कोडिंग करूँगा वो लोडर का कोडिंग करूँगा, क्योंकि लोडर आना चाहिए। तो आप जो यहाँ पे आप कमेंट किए थे इसको आप रिमूव कर दीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पे आइए आप जो सक्सेस पास कर रहे हैं, सक्सेस से पहले आप बिफोर सेंड इवेंट पास कीजिए, बिफोर सेंड, और इसमें आप फंक्शन को पास कीजिए। तो मैं इसको इस लोडर को सेलेक्ट करूंगा और सीएसएस के माध्यम से जेड इन इंडेक्स पास करूंगा, और इसमें 1999 पास कर लूंगा। उसी तरह से जब आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा तो आप लोडर को लोडर में आप सीएसएस लगाएंगे, और उसमें जेड इन इंडेक्स माइनस आप कर देंगे 99, और बैकग्राउंड आप उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। इसका आप मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सेव करता हूँ, और इस प्रकार से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अभी आपका लोडर चल रहा है, जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक आपका ये लोडर चलेगा ही। तो यहाँ पे देखिए आपका अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, मीन्स आपका कोई एरर है वो 157 पे, तो आप 157 पे आइए। देखिए यहाँ पे आपका एरर है, देखिए यहाँ पे आप कोमा नहीं दिए हैं बिफोर सेंड के फंक्शन में। अब सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जैसे आपका रिस्पॉन्स आया वो लोडर रिमूव हो गया। फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रिस्पॉन्स आया, लोडर आपका चला गया। मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो देखिए सबसे प्रीवियस में आपको ये जाएगा ही नहीं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट आपको चलता हुआ जाएगा। देखिए इस प्रकार से, तो ऐसे जितना वो आपका लिखा होगा ना 1074 है, उस सभी का आपका इमेज भी आएगा, उसका कोर्ट का नाम भी आएगा, और उसके ऑथर का नाम भी आएगा। देखिए जब तक आपका फ़ोटो लोड नहीं होगा तब तक आपका बिफोर सेंड में इस तरह से लोडर चलता हुआ रहेगा, क्योंकि थोड़ा जो इमेजेज है उसके रिस्पॉन्स को आने में थोड़ा वक्त लगता है। आपके नेट कनेक्शन के अनुसार ये आपका सही रहेगा, क्योंकि हमारे में अभी नेट कनेक्शन स्लो है। तो गाइज आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।